गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज क्लास 7th, चैप्टर 14, सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए, अब इसमें फिगर तो नहीं बनी हुई है, बट दिया हुआ है कौन कौन सी फिगर है, जैसे इनइक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, और सर्कल है। ओके, जिस तरह से आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन स्केलन ट्राइंगल, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है आपको। अब देखिए मैंने किस तरह से ये बनाया है टेबल। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास इस तरह से आएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री जो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, कितनी आएंगी इसकी आप चेक करिए ज़रा। हर एक वर्टेक्स ली हुई है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाएगी, 3। ओके, नाउ सेकेंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो टू साइड्स इक्वल हो रही हैं तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए किस तरह से आ रही है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, 1, ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ थर्ड पार्ट स्केलन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रही। देखिए कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रही, तो इसको आप कहाँ से इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे, नो तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी भी साइड से हम इसको कट करें तो सबकी सब साइड्स क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो इसकी कितनी है लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद आपको आ गया, इसके बाद जो पार्ट है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो रही है तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास आ गया रोम्बस। रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल्स होती हैं, बट ईच वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। 90 डिग्री का अगर नहीं होता, अब देखिए लाइंस ऑफ सिमेट्रीज की कितनी आएंगी, 2। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो चेक करिए इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है। तो पैरेललोग्राम की हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।